अच्छा सब यानी बहुत हो गया। अच्छा हाँ तो कर बाबा एक बार सुनो, वैसे भी दाल आटा सब कुछ खत्म हो गया, सब गांजो फांजो सब अपने आज सब कुछ खत्म हो गया। आज इच्छा बहुत हो गई है, चार छह दिन का तो खर्चा चल ही जाएगा, तब फिर देखेंगे। चलो चलते जवान जंगल में, चल बाबा भजन करेंगे। और बाबा मोए भजन में जल्दी घुस, अरे चेला भजन घुसा नहीं जाता है, भजन सीखा जाता है। को जाता है? हाँ। तो मैंने कहा समझी भजन घूस हो जाता है। नहीं, भजन बहुत यानी गहरी चीज है। ज्यादा गहरी है? हाँ भजन बहुत यानी गहरी चीज होती है। अच्छा बाबा। हाँ चेला तो जन्नी बहुत सिखा बाबा। चेला लखनदास सीखा का तुझे कितने साल हो गई रहते रहते, अब तक नहीं सीख पाया? खूब लंगोटी थे भाई वो पे, अब तू भजन सिखा। अच्छा भजन सिखाऊ तेरे लिए, तो ऐसा कर ये बियाबान जंगल है यहाँ पर मेरा आसन लगा दे जल्दी से। लगा दूं बासन? बासन नहीं आसन। आसन? हाँ आसन लगा मेरे लिए, तब तेरे लिए भजन सिखाऊंगा। हाँ रख दो, नहीं रख दो हाँ जमीन पर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ तभी सिखाऊंगा तुझे, बगल में नहीं बैठा लूंगा, इधर बैठ जा। इतनी सारे हो गई तुझे रहते रहते, तुझे होश नहीं आया? हाँ भजन एक घुसा नहीं जाता है, भजन सीखा जाता है, दिमाग से सीखना। जैसे मैं कहूँ तैसे ही कहना है, फालतू बात मत करना। अगर फालतू कहेगा तो तेरी चांद में आज इतना चिमटा पड़ेगा, और क्या पीठ में, चांद में नहीं मारूंगा, चांद में मारूंगा तो मर जाएगा तू। बोले क्या कहाँ जा रहे भैया, इधर आ जा। हाँ पानी बाद में पी लियो, सवेरे पी लियो ना, हो तो चला ध्यान से सुनना। एक ही बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। अरे राम राम का चला सीताराम खराब होता मेरा आज। हाँ देते तुझे चेला अच्छा बनाया मैंने, इतनी साले हो गई सीखते सीखते, मैं सिखाता हूँ और सब भूल जाता है और ओवर ओवर बोलता है। अब नहीं बोलूंगा, अब नहीं बोलेगा। अरे राम राम सीखेगा तू। हम तो कह रहा राम राम को चेला सीता राम को, ओल्लू का भट्टा कहता है पूछेगा में बराता ही दूल्हा आए नो, भूत खुलाई भैंस मांगी जूता मारे सो। बताओ ये कोई भजन है? कोई मारेगा और तुझे क्या, किसका चेला है? क्या लक्कड़दास का चेला है? हैं कोई ये कहेगा लक्कड़दास का चेला? तो बाबा दूसरों से का मुंह पहना रहो, ज्यादा कर रहो सिखा रहो तू। तुम का भजन करते हैं? हाँ तू नंबर। और ये बियाबान जंगल है, कुछ साधु
या धूनी रमाए बैठे हुए हैं, जा करके अपना समय व्यतीत इन्हीं के पास करूंगा। आज मेरे प्यारे भाइयों, राजा प्रथम उस मणि पर पहुंच जाता है तो साधु मां अपनी तपस्या में लवलीन थे। चलो इन्हें पास से नहीं जगा सकता हूं, वैसे ही आफत का मारा हूं, अगर इन्हें मैंने जगाया, ये भजन में लवलीन है तो गुस्सा में आकर के मुझे श्राप भी दे सकते हैं, इससे प्रणाम करके जगा। अरे बाबा सीताराम, तेरे घर में घुस गए टीकाराम। हम कहते बाबा सीताराम, वो कहता घर में उसके टीकाराम। अरे बाबा राम राम, ताजू फिर रहा बेटा गाम गाम। लगता है साधु बड़ी तपस्या में है, कुछ चेला जगे हुए हैं, चलो इसे तो पास में जाके जगाऊंगा। तेरे मर गए बाप दादे। ओरे बाबा मरी में चोर घुस आयो, मरी में चोर घुस आयो। हमारे पास क्या है? सो मरी में चोर आ जाएगा। बाने तक हम तुम भिक्षा करके लाए थो, लेके भाग जाओ। भिक्षा लेके आए? हाँ। कोई बात नहीं है, वो भी भूखा होगा तो ले जाएगा, कोई बात नहीं है। कहाँ है वो? मड़ी में ही है। मड़ी में दिखाओ कहाँ है मुझे। आजा मैं संग। आजा। बाबा गुरु, गुरु महाराज करता हूँ प्रणाम। ईश्वर बड़ा डाल होता है, घोड़ा पकड़े खेच ले होते जाने। अच्छा प्रणाम कर रहा है। मैंने कहा समझी तेज से बाबा घोड़े पकड़ के खींच रहे होते। नहीं 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 नहीं, ईश्वर बड़ा है आपके, आपके ईश्वर प्रताप को। हे परदेशी, इस बियाबान जंगल में आप कैसे भटक रहे हो? क्या काम है और तुम्हारा क्या नाम है? गुरु महाराज, कहाँ के रहने वाले हो? आया हूँ तो बस बताऊंगा क्षणों में कहा कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला। मेरे बाबा नरवर गलवा गाम, मां को तो में रहवे बारो मेरो राजा प्रथम है। चला बाबा, इसको मैं जानता हूँ पहले से ही, मगर इससे मैं अवश्य पूछूंगा। ये बताओ तुम नरवर के रहने वाले हो? जी महाराज। राजा प्रथम नाम है? हाँ महाराज। तो इस बियाबान में तुम्हारा भटकने का क्या काम है? सुनो मेरे ज्ञानी इंद्र का पहाड़ी को एक से एक महलल पटरानी काऊ की चली नहीं को। एक ज्ञानी बोलिए, मेरे घर में एक से एक रानी है। हाँ। और किसी की संतान नहीं। फिर मेरे ज्ञानी मेरे बंधे बिगड़ गए ज्ञानी। आप जानते हैं हमारे मुखार देखने से मेहतरानी खत्म हो गई, आज नरवर के सभी नरनार राजा प्रथम को निर्वासी कहते हैं। अच्छा ज्ञानी, तो फिर क्या काम है यहाँ पर? मैं आपके पास आया हूँ। हमारे पास मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए, जिससे सुनो मेरे ज्ञानी मेरा बहुत दुखी है बेटा बेटी हो नरवर में चले नरवरिया को। आज एक बेटा का पुत्र का वरदान दीजिए, जरा वंश मेरा आगे को चले। चेला, अरे बाबा एक बात है यार, हम तुम तो एक महात्मा हैं, हैं ब्रह्मचारी हूँ, हमारे पास यानी पुत्र पुत्री का कहाँ से आया? पुत्र तू ब्यावत होगा हूँ ब्यावत दुकान थे। देखो चेला, एक पुत्र का
वरदान लेने आया है, तो हमारे पास पुत्र कहाँ से आया? हम तो मैं कह रहा हूँ, हम तो एक ब्रह्मचारी एक साधु है, ये बियाबान में अपना भजन करते हैं। सुन रे बाबा। हाँ सुनो, मैं इसको मेरे ज्ञानी कह रहा पिसवा अगर मुझे पुत्र का वरदान दोगे निर्वंशी दोष नहीं छुड़ाओगे तो आपके धुना में यही प्राणों को त्याग दूंगा। अगर ये मर जाएगा चेला, आ, मरूंगा। ए, चेला ये मर जाएगा तो हमें दोष लगेगा, ये मर जाएगा तो हमें तुम्हें का दोष लगेगा, हमें लगेगा दोष, हमारे धुना को लगेगा। अगर धुना में इसने प्राण को त्याग दिया तो दुनिया हमारा खंडित हो जाएगा। कब मालूम नहीं पड़ेंगे या नदियां फेंक जाएंगे। नहीं चेला, मुझे कोई उपाय सोचना चाहिए। एक मेरी ज्योत माता है, उसके पास कोई योनि पड़ी होगी, मैं उसके पास जाता हूँ। ज्योत माता के लिए? हाँ, ज्योत माता के पास जा बाबा, और जल्दी आइए लौट के। हाँ जल्दी आऊंगा, मगर यहीं से मैं ज्योत माता को मैं श्रमण कर लूंगा। यहीं से करेगा। हे ज्योत माता, कहिए साधु। ज्योत माता के लिए साधुओं का प्रणाम स्वीकारो। चंजी रहो ज्योत माता। साधु हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो पर मांगना चाहते हो वो आप मांग सकते हो। एक बात सुनो, हम जो मांगेंगे वो आप हमें दे सकती हो? अवश्य मिलेगा। दोगे? मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ठीक है बोलो। हम एक पुत्र का वरदान चाहते हैं साधु। अरे साधुओं के लिए संतान की क्या आवश्यकता है? अरे वो तो भगवान के भजन में रहते हैं, आपके लिए पुत्र या पुत्र की क्या चिंता हुई साधु? हे ज्योत माता, हम अपने लिए नहीं मांगने आए हैं, फिर हम किसी आदमी से त्रिवाचा हार के आए हैं। वो कौन है? हम बताते हैं वो कौन है, कहाँ कहाँ रहने वाला है। वो देश नरवर का रहने वाला है, उसका नाम है राजा प्रथम। साधु उसके लिए मांग। आप जानते हैं राजा प्रथम के एक जन्म की क्या चलती है? 7 जन्म तक संतान नहीं। हाँ। फिर भी आप पुत्र का वरदान मांगने आए हैं। हाँ, इसलिए हम मांगने आए हैं। हम त्रिवाचा हार चुके हैं उनसे, कि हम पुत्र का दान अवश्य देंगे। साधु हमने भी त्रिवाचा हारा है तुमसे, मगर ठीक है, हम पूछते हैं कौन सी योनि है जो मंजलोक में ले जाने के तैयार है? पूछ लो साधु। बोलिए। एक योनि है वो मंजलोक में जाएगी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है राजाम्ब। ठीक है, मगर चाहेगा, मगर उसकी 3 शर्त होगी। पहली शर्त कौन सी है? पहली शर्त है वो महल में जन्म नहीं लेगा। वो अपने महलों में जन्म नहीं लेगा। हाँ साधु, मंजूर है। और दूसरी दूसरी है कि वो मेहतरानी से नार नहीं कटाएगा। दूसरी शर्त है कि किसी मेहतरानी के हाथ से नार नहीं कटाएगा। जी मंजूर है। तीसरी है, कौन सी है? अपने माँ के कुछा का दूध नहीं पिएगा। तीसरी, अपनी माँ के कुछा का दूध नहीं पिएगा। अगर मंजूर है तो मैं चावल के रूप में प्रवेश करके देती हूँ, जा करके राजा प्रथम को दे देना, उसकी जो रानी मंजा पतिव्रता उसके आवास पुत्र हो जाएगा। ठीक है, हमें मंजूर है। तो ये ले लाइए। 1 2 ये चेला, हो गया काम। ज्योत माता मान गई। हाँ, उसने एक पुत्र का दान दे दिया। दे दो। दे दिया। अरे बाबा, देखो ज्योत माता मेरी बात को मानती हैं। ये लो। क्या क्यों? नहीं खेला, ये इंसानों को नहीं खिलाया जाता है, ये जनानी खाती हैं इसको, औरतें खाती हैं तो उनके गर्भ रह जाता है, तो कोई यानी पुत्र या पुत्री का जन्म अवश्य होता है। लाइए मारा खेला। ला साधु। चेला बहुत चालाक है। आपने मुझे पुत्र का वरदान दिया, मैं धन्य हो गया। आपके नरवर में अवश्य पुत्र का जन्म होगा, और जाकर के अपनी रानी सबसे बड़ी
पतिव्रता सुशील हो उसको नहा धो करके भगवान का ध्यान रख के खा ले तो आपके महलों में जन्म अवश्य हो जाए। साधु बोलिए, आप जानते हैं मुझे पियावन जंगल में रहते रहते 12 साल बीतीत हो चुकी है। मैं 12 साल के बाद में लौट करके नरवर में जाऊंगा तो बारी बारी से मेरी एक से एक रानी है, सभी आएंगे कहेंगे महाराज आप 12 साल के बाद लौट करके आए हो, हमारे लिए क्या लाए हो। अच्छा एक गुरु महाराज बोलिए, अगर देना है, अगर देना है तो एक से एक बर दीजिए, जो आपने एक दिया है अपना वापिस ले लीजिए। ए बाबा पोता पकड़ रहा है चेला, ये तो बहुत चालू है, पहले तो इसने उंगली पकड़ी अब ये पोछा पकड़ने लगा। तू देख ले, अब कहता है करण बनो ना, करण को चोद हो जा दे। अब कहता है कि एक पर दिया इसे भी वापस कर लीजिए और 100 और दो। अब 100 कहां थे थी? तू बताओ कहां थे थे वो बता। अब ऐसा करो चेला, उपाय मेरे पास है। का वो चावल नहीं है अपनी बाबा, तेरे को चावल नहीं दे दूंगा बाबा, मांग मांग के बाबा रह जा। तू चेला तू नहीं लाया, उस दिन हम भागवत में गए थे दावत खाने तो वहां से चावल मिले थे उनमें से लिया। अपो दान कर मैंने लाइए महाराज ठीक है, लेके नकली चावल है लाओ, ये लाओ लाइए गुरु महाराज। राजन ये 100 और हैं इनको अलग रखना, बहुत अच्छे उसको अलग रखना ठीक है महाराज, पर मैं सुनी ना मिला मत लेना जा। बोलो महाराज जे रास्ता जे चामर रास्ता मन डाल जाइयो, नहीं डालूंगा कहूं जी चामर खा लो चिट्टी ने तो फिर भुक्कर या सो लाई फिरेगी। चेला चलो चलते हैं अब। ए राजन महाराज सामने क्या देखो, सामने जंगली जंगल है। आज मेरे प्यारे भाइयों साधु को आज राजा प्रथम पुत्र का वरदान देकर के साधु अंतर ध्यान हो जाते हैं। आज राजा प्रथम 12 साल व्यतीत करके नरवर की ओर चल देता है तो देखेंगे आगे का सीन। ए राजा ने पलनाई तेरा लगाई सुरजा के महल हैं। चलो अपने जेठी रानी सुरजा से अवध दो बात करेंगे। सोबत है तो जाग जा मेरी जगती है डेमोन, हे प्राण प्यारी सुरजा मेरे लिख बजर किवारी। और जत बताई दौड़ के और खोले बजुर की बार, अरे दिगा खोल के देखती मेरे सजना तारे द्वार। मैंने किया पति महाराज के लिए नमस्कार। चिरंजीव रहो रानी सुरजा। हाँ महाराज। और बताइए नरवर में सभी कुशल मंगल हैं? वैसे तो महाराज सभी बढ़िया हैं। फिर तुम बताओ तुम आज बड़ा दिनन में आए, कहाँ थे आए हो? रानी हमें 12 साल बियाबान जंगल में हो गए, 12 साल के बाद लौट करके आपके महलों में आए हैं महाराज। मिला है बोलिए जी, तुमने बेस कैसे कर लो? रानी ये तो तकदीर का खेल है, जो विधाता ने हमारे नसीब में लिखा था वही हम भोग रहे हैं। बोलिए आप क्या कहना चाहती महाराज? बोलो
एक बात कहूं तो बुरी तरह लगेगी। नहीं बताइए। जय तुम उतारते बिगाते। हाँ उतारे गए रानी, क्यों नहीं, अब जो उतारने का वक्त आया है तो राजा प्रथम अवश्य उतारेगा। मुझे अच्छे ना लगे राजा बेसम। कोई बात नहीं, बोलो क्या कहना चाहती हूँ। अरे बेटा बिल्कुल डरे राजी राजस्थान और वो भी 10-20 रुपए देते हैं। सही रेला के और वो भी 50 रुपए देते हमारे नेमी चंद। और भाई हमारे पोदीना से आके और वो भी 50 रुपए देते हैं। और मैं तो बिल्कुल राजी भारी हारे थके हुए आए हुए हैं और हमारे नत्थीलाल इसी का मालिक और वो भी 50 रुपए देते हैं। रानी देखिए हम 12 साल के बाद में आए हैं, आपके लिए एक प्यार का तोहफा लाए हैं। आप जब सुनोगी
तो आप खुशी से पागल हो जाओगे। और हमारे लोकमन सिंह बसई वाले और बबी तथा देते महाराज बोलिए हमारे लिए क्या तोहफा लेके आए। आपके लिए प्यार का तोहफा है, सुनो अपना पल्लू हमारे सामने कीजिए। ये लो रानी सुरजा, ये साधुओं का दिया प्रसाद है, इसे कहते हैं चावल महाराज। इसे खाओगी तो बेटा या बेटी अवश्य महल में हो जाएगा। महाराज चावल तो मैं वैसे रोज खाती हूँ। ये साधारण चावल नहीं है रानी, ये साधुओं का दिया प्रसाद है। अच्छा हाँ, तो महाराज एक बात पूछूं। बोलो। बुरी तो ना लगाई तुम्हें? नहीं बताइए जे बता, जो चामन ते बच्चा होन लगे तो जे आदमी कड़ी खाएगा हर में चलेंगे। सुरजा हाँ, ये पतिव्रता नारियों की बातें नहीं होती हैं। पतिव्रता नारिया बिना सोचे बिना समझे पति का हुक्म बजाती है। तो कैसे खाए तुम जाए? इसे नहा दो खा लेना। अच्छा क्यों? आज मेरे प्यारे भाइयों राजा प्रथम बारी बारी से 100 रानियों से एक एक चावल बांट देता है, वही चावल जो चौथ मास से प्राप्त हुआ आज उसे लेकर के रानी मंझा के महल में चल देता है। किस तरीके से? अरे एक हमारी फुवरिया और है, अधिक प्रेम करती है, चलो दो दो बात उस फुवरिया से। मंझा के महल के पास उसका महल है, अब अवश्य बात करेंगे। क्या कर रही है? ठीक है, प्रसन्न रहो, आबाद रहो। फुवरिया चंपा हाँ, दूर से बात कर, लगता है 12 साल हमें बियाबान जंगल में हो गई और तू साली 12 साल से नहाई नहीं है। महाराज हाँ, जब तक तुम गए हाँ तब तक मेरा पर शरीर की कोई शुद्ध बुद्धि ना रही। अच्छा तुम्हारी किस्म खा रही महाराज, सिगरी में खाल लटक गई। फुवरिया देखिए आप बेचिंता रहे, हम आपके लिए वो तोहफा लाए हैं जो आप सुन करके खुशी हो जाओगे। का तोहफा? हाँ का लाए? देखिए ये लीजिए, ये साधुओं का दिया हुआ प्रसाद है। ये तो चामर है महाराज। हाँ इससे इसे खाओगी तो आपके बेटा या बेटी अवश्य हो जाएगा। जा खा के लड़का है जाओ। हाँ तो खाई लू? खा लो। अबे खाई लू? नहा धो करके। ना महाराज मैं तो ऐसी खाई रही, मोर तो ठंडा लगते थे नावे में। अच्छा चल मर जा करके खा ले। हाँ खाओ चल मेरे सामने खा। हाँ खाओ। क्या हुआ? हाँ ये साधुओं का दिया प्रसाद है महाराज। अब तो मैं पेट में कोई लाते सी फेंक रहा हूं। है तुम्हारी किस्म खा रही हूँ महाराज। किससे? ओ महाराज क्या हुआ? ओ महाराज बताओ कोई कबड्डी सी खेल लो। ए चंपा मर जा महाराज। खाते के लिए ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? अब तो मैं मनु खटाई पे चल रहा है। अच्छा तुम्हारी किस्म खा रही हूँ महाराज। अच्छा वो तुम अमिया लेके आओ। और महाराज माँ जाओ बाजार को। बाजार से क्या आएगा? मनते अरीरा को सामान लाओ तेरे लिए। और का? इतनी जल्दी? बहुत जल्दी लाओ महाराज। अच्छा तो, और कुछ तैयारी है? अच्छा हाँ। ओ महाराज तुम्हारी किस्म खा रही, तुम जब ते गए हो तब ते मो पे बेटी चोद ना रहो। बेटी कोट कहते हैं। और का? ओ बेलिहाज ना रहो। बेलिहाज नहीं बिलाज बोलते बेवकू। वो बिलाज ना बेलिहाज हुआ महाराज। कैसे? ऐसे के बिन्ने बनवा लो आजकल की और तिन्ने बिलाज। और लड़का छोटो रोबत को मम्मी हमें तो अब ऊँका लगे रही है। और मम्मी ने डालो रसोई में ऊंचे पे हाथ और तोनू नीचे है वो मैदान। तो महाराज अब तो पहले आज चंपा एक काम कर, तूने चावल खा लिया अब तू महल में आराम कर। पर महाराज हाँ तुम आयो 12 साल बाद तो वो ठाड़ी करके हाँ ठाड़ी करो पहले।
अब ऐसा करो महाराज टुड़ी सु टुड़ी तो मिला ही लो पागल नहीं तो आज सौरानों से मिलकर के राजा प्रथम प्यारी मंझा के महल में चल देता है।